अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। तो ये देखिए आपके सामने जो हलवा आ रहा है, ये जी बड़ा ही ख़ास है जी, और इसको नाम दिया गया है जी मखंडी हलवा, और बहुत ही मज़े का बनता है। सबसे पहले एक कप सूजी ले लेनी है और उसमें चार कप दूध डालने के बाद इसको दो घंटे के लिए हमने रखना है। ये काम आपने लाजमी करना है। तो ये देखे, मैं एक कप सूजी डाली और उसमें चार कप दूध डाल ली हूँ। दूध कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेल है वो डाल सकते हैं। तो इसको भिगो दिया, आप देखें सूजी बिल्कुल नरम हो गई है। और अगला स्टेप क्या है तो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऑयल डाल लेना है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। उसके अंदर चार पाँच इलायची डाल दी है मैंने, उसको आप खोल के डाल लें या वैसे ही डाल लें। और उसमें एक कप जो चीनी का हम डालेंगे, वही कप जो हमने सूजी का भर के डाला था, वही चीनी का डाल सकते हैं। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। देखें, उसको अच्छी तरह से भूनना है, और जब तक ये हमारी चीनी का कलर ब्राउन हो जाए, तो उसमें वो जो हमने भिगो के रखी हुई थी सूजी दूध की, वो बिल्कुल स्लो कर देनिया है चूल्हे की आँच को। ये देखें, क्रिस्टलाइज्ड हो चुकी है सारी शुगर, तो परेशान नहीं होना, ये इसी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, और यही इसकी खासियत है। ये देखें, इस हलवे की खासियत है कि इसकी हमने कम अज़ कम आधा घंटा बुनाई करनी है। तो इसी तरह आप स्लो आँच पर इसको हिलाते रहिएगा, ये देखें, और इसी तरह हमने इसको बार बार हिलाते रहना है, इसकी बुनाई करते रहना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसको हिलाना है, पूरा बार बार, पूरे को नहीं हिलाना, इसी तरह आगे पीछे करते रहें। बहुत ही कमाल का हलवा बनता है, यकीन करें, इसका टेस्ट बिल्कुल जुदा है। और इसके अंदर हम खुश्क मेवा जाते हैं, वो मैंने आधे इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। उसमें खोपरा है और किशमिश है, तो इसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम नहीं थे तो मैंने ये दोनों चीज़ें डाल रही हैं, और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये देखें, इसमें हम सर्विंग बाउल में कर लेते हैं सर्व, और बहुत ही मज़े का ये हलवा बना था। यकीन करें, जब आप घर में बनाएंगे, किसी भी मौके पे आप इसको बनाएं और दाँत समेट सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।